नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 360 डिग्री का व्यू अपने गांव का, तो आप लोग भी देखिए इस ब्लॉग को। तो दोस्तों, ये है हमारा गांव ग्राम खितोटिया, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 121 से इसकी दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। पहाड़ की सुंदर वादियों में बसा हुआ यह एक बहुत बेहतरीन गांव है और गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। पहाड़ी भूभाग पर बसा हुआ यह एक बहुत प्यारा गांव है। गांव के बीच में आपको एक बड़ा सा बांज का पेड़ दिखाई दे रहा होगा और यह है दीवा देवी का मंदिर, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वे प्रकृति पूजन में विश्वास रखते थे, तो प्रतिवर्ष सावन के महीने में यहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सामने आप देख सकते हैं देवी का मंदिर। ये देवी का मंदिर है हमारे गांव का, जिसे कि कहा जाता है देवी धार, और प्रत्येक 5 वर्ष में यहां पर होता है मेले का आयोजन। ऊपर आई बटन में मैंने मेले का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप मेले के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो ठीक सामने आप पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं, ये हैं ललितपुर की पर्वत श्रृंखलाएँ। और यदि आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है कालिंका देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जनपद के मध्य में स्थित है। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं आप अंत में, ये हैं अल्मोड़ा और पौड़ी बॉर्डर का सीमा क्षेत्र, उसके जो दूसरी पार है फिर अल्मोड़ा बॉर्डर लग जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक हमारी ग्राम सभा का हिस्सा है, जिसे कि हम चौंडी कहते हैं। तो चौंडी भी बहुत सुंदर एक छोटा सा गांव का हिस्सा है हमारे गांव का। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे घर से ठीक सामने ये है चीड़ और बांज का एक घना जंगल। तो प्रकृति की हसीन वादियों में हमारा गांव बसा है और ये जो ठीक सामने देख रहे हैं, ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, तो हम लोगों ने अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की है। और ये देखिए, हमारे घर से ठीक आगे जो ये जंगल देख रहे हैं आप, ये जंगल सदाबहार जंगल है और हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः चीड़ के, बांज के और बुरांस के पेड़ हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हैं हमारे गांव की सारी, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे गांव के हरे भरे खेत, और खेतों में लहरा रही है सरसों और गेहूं की प्यारी सी फसल। और उसके बाद यदि मैं आपको बताऊँ तो वो भी हमारे गाँव का एक हिस्सा है, जिसे कि हम कहते हैं तकुलसी खोली, और उसके ऊपर ढंगोलू खोली, और फिर उसके ऊपर है खदेड़ों। तो यहाँ भी हमारे गांव के कई लोग रहते हैं। और ये जो ठीक सामने आप मकान देख रहे हैं ऊपर, ये है भटोड़ी धार, और ये जो ठीक सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं छोटी सी, ये है हमारे गांव का मिलन केंद्र। तो यहाँ पर जो भी आम बैठकें होती हैं उनका आयोजन यहीं पर किया जाता है। उसके बाद आप ऊपर की ओर देख सकते हैं बुगल्यान ठवा और ढूंढा खोली। और उसके बाद जब हम इधर को बढ़ते हैं तो ये एक घना जंगल है, और यहाँ पर अधिकांशतः उसके चीड़ के और बांज के वृक्ष अधिक मात्रा में हैं। और ये है कुछ ऊपर जो मकान दिख रहे हैं सफ़ेद रंग के, ये है सीमा खोली। और दोस्तों, ये अब मैं अपने घर के पीछे के हिस्से की ओर आ गया हूँ, और जो ये खुम लगी हुई हैं इनके ठीक पीछे है सतगरिया और छीला डांड और पलथरू डांड, क्योंकि ये भी हमारे गाँव के हिस्से हैं। हमारा गांव बहुत विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है, और अलग अलग जगहों पर मकान बने हुए हैं और वहां पर लोग रहते हैं। और ये देखिए, ऊपर भी हमारे गांव के कुछ लोग रहते हैं, जिसे कि हम खाला डहिया कहते हैं। और इस तरह से फिर मैं घूम करके आ गया हूं उसी बिंदु पर जहां से कि मैंने अपना ये ब्लॉग शुरू किया था। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री का पूरा एक एंगल। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।